जय श्री कृष्ण। आज हम सभी पौष मास के रविवार की व्रत की कथा श्रवण करेंगे। तो आइए आप सभी अपना ध्यान भगवान सूर्य नारायण के चरणों में केंद्रित करें और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। एक साहूकार था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह सवेरे बाहर गया तो देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को मिलते ही वह वापस लौट गया और बोलता गया कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना तब उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बता दी। पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली कि इसके कोई संतान नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा, ऐसा कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उस दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा कि भक्त पुकार रहे हैं, आपने उनकी पुकार नहीं सुनी तो कोई आपको नहीं मानेगा। तब भगवान को दया आ गई और वह प्रकट हुए और बोले कि साहूकार, तेरे नसीब में संतान तो नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वह हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। नवे महीने में एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। नायन नहलाने आती, जब वह बच्ची हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते, उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। जब वह बच्ची को नहलाने लगी तब बच्ची हंसती तो हीरे गिरते, मुलकती तो मोती गिरते। अब वह समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तब माता पिता ने सोचा कि घर में तो बहुत धन है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा गया और उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया गया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब उस लड़की का पति बोला, अपने बीच में सुबह सुबह तुम्हारी माँ का क्या काम है? तब लड़की बोली कि मेरी माँ का नियम है कि सुबह होते ही वह मेरा मुंह देखती हैं। दूसरे दिन जब वह सुबह उठा और उसने उस लड़की का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखर रहे थे। तब वह समझ गया कि इसलिए सास इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई, तब हीरे मोती नहीं मिले। तब वह समझ गई कि जमाई को पता लग गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सास को लाके दे दिया। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा कि देखो, हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। राणा देव जी सूरज भगवान दोनों मानव रूप धारण कर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए, अंग जोड़कर अमृत का छींटा दे दिया। वह उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने बोला कि पौष रविवार का मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? तब वह बोला कि तुम्हारी माँ ने मुझे मारने के लिए एक आदमी को भेजा था और उसे सारी कथा बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की? बेटी अपने पति के साथ एक नए घर में रहने चली गई। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूर्य भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।